ब्लू बीटल अपने नए डीसी यूनिवर्स का पार्ट होगा। तो जैसे जेम्स गन के डीसीयू से अभी तक कुछ भी नहीं आया हुआ है और अभी एक्वामैन 2 आने तक अभी सब कुछ पुराने डीसीयू का ही माल होगा, पर अभी ब्लू बीटल की हाइप शज़ाम से ज्यादा लग रही है। वो ट्विटर पे ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है और जो कि एक लातिनो सुपर हीरो है तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी से ऑलरेडी देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। और भाई जो कि इसका टोन स्पाइडरमैन जैसा फन लविंग कैरेक्टर जैसा है तो भाई किसी को भी ये पसंद आ जाएगा। और अगर जेम्स गन चाहे और ये मूवी किसी तरीके से हिट हो जाए तो ये अपने नए डीसीयू में शामिल हो सकता है। और क्योंकि ये स्टैंडअलोन मूवी होने वाली है और जैसे जेम्स गन के फर्स्ट चैप्टर में उसके बूस्टर गोल्ड और ग्रीन लैंटर्न में ये काफी अच्छा भाई कैमियो और क्रॉसओवर मार सकता है, तो जेम्स गन को फिर से इस हीरो को दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उससे भी बड़ी बात ये डिपेंड करता है कि ये मूवी हिट होगी कि नहीं। तुम बताओ, तुम इसके लिए कुछ फीलिंग रखते हो? तुम इसे चांस देना चाहोगे?